तो आज मैंने देखी दोबारा फिल्म स्टार कास्ट में तापसी मन्नू है, जिसका कि ओरिजिनल आया था 2018 में मिराकल के, जो कि अपने मनी हाइस्ट के प्रोफेसर ने लीड रोल में थे, और उसी का रीमेक है ये दोबारा। दोबारा मतलब क्या, दोबारा से तीन वर्ड निकलते हैं, जैसे कि दोबारा पे कुछ घटना होती है और कुछ चीज़ दोबारा होती है और तीसरी दोबारा मूवी फ्लॉप बॉलीवुड की। तो पहले अपन बात करते हैं स्टोरी लाइन की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ओरिजिनल देखना चाहिए कि ये देखना चाहिए। बात करो स्टोरी लाइन की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक घर, एक माँ इंडिपेंडेंट और उसी के साथ एक 6 साल का लड़का, और घर के अंदर एक पुराने टीवी और पुराना कैमरा। लड़का टीवी ऑन करता है और कैमरा में अपने बाप के साथ बिताए हुए कुछ पल को देखता है और बोलता है कि डैड मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। इसी पल बगल वाली बिल्डिंग में कुछ घटनाएं हो जाती है, जिसको देखने के बाद वो अपने माँ के पास जाता है बताने के लिए, बट उसकी माँ कुछ दवे खा के सोती रहती है बहुत गहरी नींद में। फिर वो खुद निकल जाता है बचाने के लिए, पर देखता है कि मर्डर हो चुका रहता है और वो डर के मारे पीछे भागता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन में दिखाया गया है कि 25 साल बाद तपस्वी मुनि अपने पति और 6 साल की अपनी लड़की के साथ उस बिल्डिंग में आती है, उस बंगले में आती है। देन आफ्टर वो उस दिन रात को टीवी ऑन करती है 12:12 में, तो लड़का उस साइड दिखता है और लड़का बात करता है, लड़की भी बात करती है। फिर वैसे ही सेम दोबारा घटना होने जाती है, तो वो तपस्वी मुनि उसको बचा लेती, बोलती है कि वहाँ मत जो एक्सीडेंट हो जाए, और वो सच में नहीं जाता है। उस लड़की को बचाने के बाद तपस्वी की ज़िंदगी एकदम बदल जाती है, क्योंकि वो पास से खिलवाड़ खेली रहती है, तो वो दूसरी ज़िंदगी में अटक जाती है जहाँ पे उसका कोई पति नहीं रहता और वो डॉक्टर रहती, नर्स नहीं रहती है। देन आफ्टर उसको बट याद रहता है पूरा पास्ट के बारे में कि जो इस दुनिया से आई। अब देखना ये है कि वो अपने पति को ढूंढ पाएगी या फिर अपने लड़की को ढूंढ पाएगी, और जिस लड़के से वो टीवी के अंदर मिली थी वो क्या सच्ची अपने ज़िंदगी में मिल पाएगी। बाकी बात करो तपस्वी मुनि की, तो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, अगर उसको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से दिखा सकती है। और बात करो अनुराग कश्यप को, तो 90% ट्राई किया है इस फिल्म को, बट कंपेयर करूँ मिराज करके जो मूवी है 2018 में निकली थी, अगर आप उस फिल्म को देखोगे जो कि हिंदी डब में भी है, अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो उसके अंदर आप खो जाओगे, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ रियलिटी में हो रहा है, और ये एकदम थर्ड कॉपी लगेगा। बाकी देखा जाए तो 90% कॉपी किया और 10% इंडिया टेस्ट के हिसाब से गाना ठूस दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है इस फिल्म में। बाकी स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि स्टोरी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पर डिपेंडेंट है और इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी ट्विस्ट दी है। अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो आप मिराज जरूर देखना। अगर आपको इंडियन टेस्ट पसंद है तो दोबारा देख सकते हो, बट वैसे अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आपको मिराज ही देखना चाहिए। बाकी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।